तो करीब 1.5 किलोमीटर ये कोइलवर पुल है। हे दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे इस नए वीडियो में, इस नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं कोइलवर पुल, जरा दिखाइएगा उधर, ये देखिए कोइलवर पुल है और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर आज। तो कोइलवर पुल कौन नहीं जानता है, पटना और आरा को एकमात्र जोड़ने वाला ये कोइलवर पुल काफ़ी ही चर्चे में है, काफ़ी चर्चित पुल है जो अंग्रेजी शासन के द्वारा बनाया गया है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आज इसकी मरम्मत करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। अंग्रेजी हुकूमत में बनाई गई ये पाइलिंग कंस्ट्रक्शन को आज रिपेयर करने की सख्त ज़रूरत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे उस साइड से पाइलिंग का काम जो टूटा हुआ था वो मरम्मत की जा रही है, दुरुस्त की जा रही है उन चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं उधर से काम चलते हुए आ रहा है और यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसको भी देख रहे हैं, मिट्टी एक्सकलवेट करके मिट्टी चढ़ाया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से इसको बनाया जा रहा है। ये रेल रोड का पाइलिंग का स्थिति आप देख सकते हैं, जो काफ़ी झड़ चुका है। इसके नीचे का वॉल जो सपोर्टिंग वॉल है तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, रिपेयर। इस रेल रोड का हालत इतना जर्जर है, इतना बुरी हालत है कि यहाँ से ट्रेनें धीमे धीमे गति में पास करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोइलवर पुल जो अब्दुल बाड़ी पुल के नाम से फेमस है। देखिए, ये और कुछ नहीं, ये जितने भी कचरा दिख रहा है, ये टूटा टूटा ब्लैक ब्लैक कलर का, ये सब इस रेल रोड का मलबा है जो कि काफ़ी पुराना होने के कारण झर रहा है।